हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मल्टीपल टेक्स्ट अलाउ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी बिल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, तो उसके लिए हम मल्टीपल टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज कीजिए हम लोग जीएसटी लगाते हैं अपने इंडिया में, तो जैसे सपोज कीजिए 15%, 25% या 28% का जीएसटी हमें लगाना, तो ये तीनों ही आए, इसके सिवाय कोई और उसमें विकल्प ना आए, ऑप्शन ना आए, ऐसा कुछ हम लगाना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ब्लैंक डेटाबेस चूज करते हैं, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू के बाद यहाँ पे जो नेम आ रहा है, मैं यहाँ पे जीएसटी डाल देता हूं या टैक्स भी डाल सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंटर करता हूं और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ पे ये आईडी है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद यहां से ऑटो नंबर है, तो मैं इसको ऑटो नंबर हटा देता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं टेक्स्ट, ओके। यहां पर आएंगे, यहां पे प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आएंगे तो यहां प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस हमारा नंबर डेटा टाइप होगा, क्योंकि हमको यहां कैलकुलेट करना है, इस वजह से हम यहां पे नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे। देन यूनिट करेंगे, यूनिट यानी कितना हम सामान बेचेंगे ये डिपेंड होगा, और ये भी नंबर डेटा टाइप होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर हम करेंगे इसका टोटल, यानी कि कितना इसको टोटल करने पे आएगा, और ये भी नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। इसके बाद इस पे हम टैक्स लगाएंगे, तो यहां लिखते हैं टैक्स, ठीक है। कितना परसेंट टैक्स लगेगा ये डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा डेटा टाइप पे। कैसे डिपेंड होगा डेटा टाइप पे, यहाँ पे हम देखिए ड्रॉप डाउन आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आ जाइए लुकअप विजार्ड पे, यहाँ लुकअप विजार्ड पे क्लिक कीजिए तो एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आई विल टाइप द वैल्यूज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर हमें देना है वो चीज, ठीक है। जैसे हम देना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं दूंगा 15%, ठीक है, तो ये परसेंट में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देंगे 25% और देन 28% यहाँ नीचे मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 28%, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमने टैक्सेस अलाउ कर दिए इसमें। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ फिनिश पे क्लिक लिखेंगे हम एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट, नाउ एक्सपायरी डेट में हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट कर लेंगे, MANUC, तो यहां से मैन्युफैक्चर डेट भी आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी डेट एंड टाइम डेटा टाइप को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली क्लिक करना है यहाँ पे व्यू पे, यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, हमने सेव कर लिया इसको। जब सेव कर लेंगे तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। अब हमको जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है वो सारे यहाँ पे करने हैं। इसके लिए हमें जाना है क्रिएट पे और जाना है क्वेरी डिजाइन पे। क्वेरी डिजाइन पे जाकर के हमें जाना है, यहाँ पे ऐड कराना है, इसे ऐड करा लिया हमने, और ऐड कराने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते जाइए और ये इंसर्ट होता जाएगा। ये हो गया हमारा काम, ठीक है, टैक्स अमाउंट, एक्सपायरी डेट और ये मैन्युफैक्चर डेट। तो ये सारे सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल को कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको भी मैं काफी जूम कर देता हूं ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे सही से। यहाँ पे मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ। यहाँ पे हमको कोलन लगाना है, यहाँ से कोलन लगा लिया हमने, ये लगा लिया कोलन हमने, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए आप, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे हमने किया इसको क्लोज, इनटू ये 8 नंबर अल्फाबेटिक बटन पर आपको इनटू का साइन मिल जाएगा, यहाँ से इनटू लगा लीजिए और इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यूनिट लिख दिया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहां से इसको ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ये तैयार हो गया, ये वाला, यानी कि हमने यूनिट को मल्टीप्लाई करके मतलब टोटल निकाल लिया। अब टैक्स इन परसेंटेज की बात कर लेते हैं, टैक्स अमाउंट जो है कैसे कैलकुलेट होगा। टैक्स अमाउंट के लिए भी हम यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको जूम व्यू पे लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ टैक्स अमाउंट जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल है उसको लेंगे, इसी में तो हमारा टैक्स अमाउंट छिपा होगा, इसी टोटल में। तो यहाँ पे टोटल ले लिया हमने, और टोटल से, ठीक है, टोटल से हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स इन परसेंटेज को, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स इन परसेंटेज, टैक्स इन परसेंट लिखा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां से परसेंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो अब अपॉन 100 कर देंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम तो 100 तो करना ही है, यहां से ओके प्रेस कर दीजिए आप। अब आपको डायरेक्टली रन पे क्लिक करना है, तो यहां पे हमारा टोटल सारा चीज का डिटेल बन के आ चुका है, अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी दिखाई पड़ेगा, जादू होगा। तो चलिए यहां प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं, तो यहां प्रोडक्ट आईडी डालिए आप, यहां पे प्रोडक्ट का नेम डालिए, कोई भी कीबोर्ड, इसकी प्राइस डालते हैं, यहां पे यूनिट डालिए। अब आप आपने जैसे ही यूनिट डाला तो ये जादू हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए टैक्स इन परसेंटेज दिया हुआ है, तो टैक्स इन परसेंटेज यहां पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहां पे ड्रॉप डाउन बनी हुई आएगी, तो यहां से जितना भी परसेंट का आप टैक्स लगाना चाहते हैं यहां से लगा सकते हैं। यहां पे 28% का टैक्स दिया हमने, यहां टैक्स अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। ये फायदा है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करने का। यहां से एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, जैसे सपोज कीजिए मैं इसकी एक्सपायरी डेट अगले साल कर देता हूं 2020, ठीक है, ये एक्सपायरी डेट है इसकी। और ये मैन्युफैक्चर डेट, जब भी मैन्युफैक्चर रहा हो, मैं डेमो के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देता हूं इस पे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर का हम करेंगे, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो भी मैं बना रहा हूं वो अपने आप, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लगा दिया फॉर्मूला, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाता है। यही खूबी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर की। तो ये रिक्वेस्ट मेरे को पाकिस्तान से आई थी, और पाकिस्तान से मुझे नाम नहीं याद है कि किसने ये रिक्वेस्ट करी थी, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से उनकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। तो अभी आते हैं हम इसमें फॉर्म व्यू में आ जाते हैं, यहां से मैं फॉर्म व्यू पे आ जाता हूं, ये देखिए यहां से फॉर्म व्यू पे आ सकते हैं हम। तो मैं यहां पे स्प्लिट फॉर्म करता हूं, क्योंकि क्यों स्प्लिट फॉर्म करूंगा, क्योंकि आपको दोनों व्यूज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहां स्प्लिट फॉर्म किया मैंने, यहां से सेव करता हूं, यहां क्वेरी वन के ही नाम से हम सेव कर लेते हैं, या यहां पर लिख दीजिए आप टैक्स क्यू, ओके किया हमने। तो यहां पे इस तरह का ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी। मैं यहां से डिजाइन व्यू पे आ जाता हूं, ठीक है। यहां पे तमाम सेटिंग्स जो हमें करनी है वो डिजाइन व्यू में ही करनी होती है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं यहां से, ताकि हमको ऊपर बटन्स बनाने हैं बहुत सारे, और उन बटन्स का हमें काम करना है, तो यहां से हम बटन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं कि टैक्स इनवॉइस, ऊपर हेडिंग देंगे टैक्स इनवॉइस, कलर में करने के लिए बैकग्राउंड कलर में जाकर के जो भी कलर आपको पसंद हो यहां से ले सकते हैं, एज यू विश, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो ले लीजिए। उसके बाद हमको बटन यहां पे बनाने हैं। सपोज कीजिए हमें बनाना है, हमें एक बॉक्स बनाना है, लिस्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, या कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं, कोई भी बॉक्स बनाना चाहते हैं। देखिए यहां पे ये कॉम्बो बॉक्स का है, ये लिस्ट बॉक्स का है, और ये सब फॉर्म का है। सब फॉर्म के लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ये एक अलग टॉपिक है। हम सबसे पहले आते हैं कॉम्बो बॉक्स पे। यहां पे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया हमने, और यहां से इसको ड्रैग करवा लीजिए आप। जैसे ही ड्रैग करवाइएगा तो ये इस तरह से आप कुछ डिस्प्ले होगा, और यहां पे फाइंड ए रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। हम किस चीज के बेस पे रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं वो यहां से डिसाइड होगा हमारा। सपोज कीजिए हम प्रोडक्ट नेम के बेस पे फाइंड करना चाहते हैं, यहां पे प्रोडक्ट नेम ले लिया हमने, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम आ रहा है, क्लिक कीजिए, और यहां फिनिश पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये हमारा बन गया सर्च बॉक्स। यहां से हम सर्च करेंगे और सारे आइटम्स हम यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहां पे रखेंगे इसको प्रोडक्ट नेम, ठीक है, बाकी सब सही है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि नीचे हम एक सेव का बटन बनाए, तो सेव का बटन बनाने के लिए हमें कहां जाना होगा, देखिए बटन नाम का ये दिया हुआ है, यहां पे जाके हम सेव का बटन बना सकते हैं। यहां पे बटन पर क्लिक किया हमने, ठीक है, और यहां पे हम जैसे ड्रैग करेंगे, इसको हम ड्रैग करवाएंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद से हम सेव का बटन बनाना चाहते हैं, तो यहां रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाइए, ठीक है। तो यहां देखिए सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे क्लिक कर देंगे हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे आप पिक्चर चाहते हैं या टेक्स्ट चाहते हैं, तो मैं टेक्स्ट चाहता हूं, पिक्चर नहीं चाहता हूं, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और यहां कमांड 20 नाम से आ रहा है, इसी को मैं रहने देता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
तो ये हमारा सेव रिकॉर्ड का एक बटन भी बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, हम प्रॉपर्टी शीट में आकर के बैक कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर का कोड दिया हुआ है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहे यहाँ से खुद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, रो की हाइट बढ़ानी हो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है। इसके बाद से चाहे तो आपके पास कोई लोगो है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लोगो ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए और जो भी लोगो आपके सिस्टम में मौजूद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे पास कोई लोगो है नहीं, लेकिन फिर भी एक आपको दिखाने के लिए मैं ये लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये लोगो आ चुका है यहाँ पे। इस तरीके से हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल बेसिक में स्ट्रांग हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे टाइप का एक सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। पहले हम चलेंगे यहाँ व्यू पे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा हमें फॉर्म हमारा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपको जो भी फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप माउस का डिटेल खोलिएगा तो यहाँ माउस का सारा डिटेल आएगा। अब यहाँ पर आप नाम ऐड करिए, जो भी नाम हमें ऐड करना है। यहाँ देखिए मैंने एक नाम ऐड कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे सीपीयू है ये मैंने ऐड करा। ठीक है, 1500 का सीपीयू, 15000 का सीपीयू, ठीक है, जो भी है। और इसके तीन आइटम हमने खरीदे उसके हिसाब से टोटल आ गया। यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट को हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, फिर अगला प्रोडक्ट एंटर करवाइए आप, जो भी एंटर करना है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने मदरबोर्ड खरीद लिया, ठीक है, और जो भी इसका प्राइस होगा यहाँ पे डाल देंगे और यूनिट इसकी डाल देंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करा लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसे अब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये आइटम्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी हम इसको सेव करते हैं यहाँ से। ठीक है, टैक्स क्यू के नाम से है पहले से भी। ठीक है, अब आते हैं हम डिजाइन व्यू पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब अपडेट हो गया, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अपडेट हो जा रहा है। इस तरह से छोटा मोटा अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए कस्टमाइज कैसे करना है ये अगर आपने सीख लिया तो फिर आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। बस इसको कस्टमाइज करना मैंने अभी नहीं बताया है, उसके लिए भी आगे वीडियोज आएंगे और कस्टमाइज कैसे करते हैं, खुद का कैसे सॉफ्टवेयर हम बना लेंगे इसी से, ये भी मैं जरूर बताऊंगा। इसके पहले एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी झारखंड से, जिन्होंने ये पूछा था कि किस प्रकार से हम स्कूल के लिए बिलिंग का, जो हम उनका खुद का इंस्टीट्यूट चलता था, तो उन्होंने पूछा था कि किस प्रकार से हम बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो मैंने उनको बताया था। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में और भी चीजें देखने को मिलेंगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।